चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सातवें जमात का मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 10.1, सातवें जमात का क्लास है। हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। आउटसाइड एक पॉइंट था, वहाँ से एक पैरेलल लाइन डालनी थी। आज हमें एक ऐसी लाइन है, लाइन पर ही पॉइंट है, लाइन पर ही एक पॉइंट ए है। मान लो ये लाइट एल है, लाइन एल है, तो इधर पॉइंट पॉइंट ए है, तो हमें हमें 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट एक लाइन डालनी है, वहाँ से हमें पैरेलल लाइन एक खींचनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ ऐसे करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। तो बच्चों ने पहले ही सीखा है मोर देन हाफ, ऐसे एक आर्क, मोर देन हाफ ऐसे ही एक आर्क, तो ऐसे एक लाइन डालेंगे। 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन, फिर हम प्रकार को खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर है, एक कोस डालेंगे 4 सेंटीमीटर, तो उसका नाम हम एक्स रखेंगे। अब एक्स पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले बनाया। तो 90 डिग्री यहाँ भी मैंने बनाया, 90 डिग्री मैंने यहाँ भी बनाया। तो इसको हम ऐसे लाइन खींचेंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो गई। तो हम स्टेप्स आप देखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। ड्रा एनी लाइन एल, एक लाइन खींचनी है एल। टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट, एक पॉइंट ए बनाना है उस पर। ड्रा ऐसे में सर्कल, एक आधा सर्कल बनाओ। बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट एम, इसको सेंटर में देखो, इसको सेंटर करो, एम एम लिखो उधर, इसका हाफ करो, 90 डिग्री एंगल बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ। तो ए एक्स को 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बराबर रखो। तो फिर हम देखेंगे एट पॉइंट एक्स, वहाँ भी एक 90 डिग्री एंगल बनाओ, सेमी सर्कल बनाओ, उसका हाफ करो, तो वो खुद 90 डिग्री बन जाएगा। कंपास की मदद से बच्चे बनाते हैं, तो 90 डिग्री एंगल्स टू इक्वल हो गए। तो एक लाइन यहाँ से डालो, इस पॉइंट का नाम एन रखो, तो ऐसे एक लाइन खींचो, उसका नाम एम एम रखो। हमारे सवाल में यही एक चीज़ ज़रूरत थी, हमें एक लाइन खींचनी थी एम थ्रू ए एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हमने ये